Good morning everyone. As you know that we are doing the graphic location of median. How do we calculate median? Using graph. So in this we have studied that median is calculated using ogives, right? In my previous videos I have explained you how to locate median through less than ogive and through more than ogive. Today I'll be telling you how do we locate median by using both the ogives, less than ogive and more than ogive. Suppose the same question is there, marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Number of students 6, 7, 8, 10, 16, 3. In my previous videos, as I have explained you that first you have to give less than ogive table and then more than ogive table. How will you convert it into less than ogive table? In less than ogive, what we do is less than 10. That means the upper limit given in the question has been mentioned here. Like upper limit means upper limit 10, 20, 30, 40, 50, 60. And in more than we locate lower limit 0, 10, 20, 30, 40 or 50. Aur ek hum extra leke chalte hain 60. Regarding cumulative frequencies also I have already explained you in my previous videos. Like in this, in less than what we do is like first one is 6. Second is 6 plus 7. Then जो भी निकल के आता है 6 प्लस 7 हमारा हो गया 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 16 47 एंड 47 प्लस 3 50. यू कैन लुक इट हियर लाइक 6 प्लस 7 13, देन 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 16 47 एंड 47 प्लस 3 50. जो लेस देन वाला है उसमें हम सभी ऐड करते जाएंगे क्यूमुलेटिव तरीके से, ऐड करके जो आएगा उसमें अगला ऐड करेंगे, फिर जो भी आएगा उसमें अगला ऐड करेंगे. मोर देन में क्या होता है, हम पहले सिर्फ पहली फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है लेस देन जीरो, जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो हमारा आता है टोटल. मोर देन जीरो का मतलब कितना भी हो सकता है, तो जितना भी टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल आ जाएगा यहां पर मोर देन में. फिर हम इसी नंबर से हर फ्रीक्वेंसी को माइनस करते जाएंगे. लाइक 50 माइनस 6 कितना आया 44, 44 माइनस 7 37, 37 माइनस 8 29, 29 माइनस 10 19, 19 माइनस 16 3 एंड 3 माइनस 3 0. लाइकवाइज वी गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. Now we get two tables and we have to plot these two tables in single diagram because now we have to do both less than and more than ogives. ये जो ogives हम लोगों ने बनाए थे जो previous videos में मैंने आपको सिखाया है, ये दो अलग अलग उसमें हम क्या करेंगे, हम इसको एक ही उसमें बना देंगे. Like you can see here, ये ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया लेस देन 10, 20, 30, 40 दोबारा से वो लिख दिया है जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 6, 13, 21 और मोर देन वाला भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है. तो जैसे ही हमारा हमने लेस देन वाला प्लॉट किया वो हमारा नीचे से ऊपर बनता चला गया, मोर देन वाला प्लॉट किया वो ऊपर से नीचे बनता चला गया. ठीक है, हम ये लास्ट में एक्स्ट्रा इसलिए जीरो बनाते हैं ताकि हम इसे एक्स एक्सिस तक टच कर सकें, अदरवाइज ये यहीं पे ही रुक जाएगा. इसीलिए इसे टच करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा मोर देन में एक एक्स्ट्रा जरूर रहता है, राइट. जब इन दोनों को हम बना लेते हैं, ये तो हो गया ओजाइव कैसे बनता है. नाउ हाउ टू फिगर आउट द मीडियन, हाउ टू लोकेट द मीडियन, द पॉइंट वेयर बोथ द ओजाइव्स इंटरसेक्ट दिस ई पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेयर दिस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट विल गिव अ नेम देयर. सपोज इट हैज बीन गिवन एफ और इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन. एट दिस पॉइंट इट इज 34, सो मीडियन इज 34, राइट. इसी को इन्होंने क्या किया हुआ है, न्यूमेरिकली फॉर्मूला लगा के वेरीफाई भी किया हुआ है क्या 34 आ रहा है या हमारा ग्राफिकली गलत है, तो वो यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकली जो है मेंशन किया हुआ है. So this is the way to calculate median or to locate median through ogives, less than ogive and more than ogive in a single diagram. I hope it is clear to you. Please go through it and practice more questions. If you need help, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.